आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कंप्यूटर को रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, आप सभी को अपने कंप्यूटर को ओपन कर लेना है। अगर आप लैपटॉप रिफ्रेश करना चाहते हो तो जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ऐसे ही लैपटॉप को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने अपने कंप्यूटर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको मैं माउस में आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है, माउस को किस तरीके से प्रेस करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ मैंने माउस को प्रेस करा दिया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको इस तरीके से ये जो ये आपको इस तरीके से ये प्रेस करना है। यह आप देख सकते हैं रिफ्रेश आ चुका है। देन इसके बाद इसको रिफ्रेश पे ला के इस तरीके से ये आपको ये वाला जो बटन है ये आपको इस तरीके से रिफ्रेश पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। फिर से मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, आपको माउस को इस तरीके से पकड़ना है और ये वाला जो इधर का जो साइड का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से। देन इसके बाद रिफ्रेश पे ला के इस तरीके से रिफ्रेश पे ला के ये वाला जो बटन है इसको रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। तो आप इस तरीके से कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया कि रिफ्रेश कैसे करना है कंप्यूटर को, और लैपटॉप को भी आप इसी सेम प्रोसेस से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।